हाय फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर तरह की वीडियो रोज़ाना लेकर आता रहता हूँ। आज हम जानेंगे सैमसंग गैलेक्सी C10 के बारे में। इस महीने की शुरुआत में लीक हुए रेडर से पता चलता था कि सैमसंग गैलेक्सी C10 कंपनी का पहला डुअल कैमरा स्मार्टफोन हो सकता है। संभवतः यह गैलेक्सी नोट 8 को भी इस लिहाज से पछाड़ देगा। सैमसंग गैलेक्सी C10 में डुअल कैमरा सेटअप होने की संभावना और प्रबल हो गई है, क्योंकि इस स्मार्टफोन का फिर एक रेडर लीक हुआ है। इसमें फ़ोन के पिछले हिस्से पर दो सेंसर नज़र आ रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी C10 के ताज़ा रेडर में दिख रहा ड्यूअल कैमरा सेटअप पिछले रेडर के सेटअप से थोड़ा अलग नज़र आ रहा है। तस्वीर ओनेलिक्स और प्राइस बाबा द्वारा सार्वजनिक की गई है। नए रेडर इमेज से पता चलता है कि LED फ्लैश ड्यूअल कैमरे के बगल में मौजूद होगा। पुरानी तस्वीर में LED फ्लैश को दोनों सेंसर के बीच में जगह मिलती थी। गौर करने वाली बात यह है कि एंटीना लाइन और सैमसंग गैलेक्सी C10 के अन्य डिज़ाइन फीचर दोनों ही तस्वीर में एक जैसे हैं। पुरानी तस्वीर में हमें हैंडसेट के कुछ हिस्से की ही झलक मिल पाई थी, नई तस्वीर में गैलेक्सी C10 की पूरी झलक मिल रही है। स्मार्टफोन में USB टाइप सी पोर्ट के साथ 3.0mm हेडफोन जैक निचले हिस्से पर, दूसरी तरह वॉल्यूम रॉकर के ठीक नीचे एक बटन दिया गया है। इसे बिक्सबी डिजिटल असिस्टेंट के लिए हार्डवेयर बटन माना जा रहा है। पावर बटन दाई तरफ मौजूद है। रीडर के अलावा इस स्मार्टफोन का 360 डिग्री वीडियो भी सार्वजनिक हुआ है, जिससे सैमसंग गैलेक्सी C10 की झलक चारों तरफ से मिल रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें सैमसंग गैलेक्सी C10 के फीचर के बारे में ये न्यूज़ पता चल सके। थैंक्स दोस्तों।